संजना सिंह क्या है और माँ एज अ मदर, मदर को फुल मतलब कूट के पी लिया हुआ, उनके घर पे सर्वेंट नहीं था डॉग को देखने के लिए, तो मुझे जो मेरे फ्रेंड है दिव्यानी, उन्होंने बोला बच्चा है तुम लेगा, मैंने बोला एक चीज मैं बोलूंगी आपको, 15 दिन आपके पास नहीं लेकर आऊंगी। हाय दोस्तों, वेलकम टू राजपाल विद पालतू लाइफ। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहे हैं कि जो पेशे से तो हीरोइन है, तमिल और हिंदी सिनेमा दोनों में काम करते हैं, लगभग 40 फिल्मों के आसपास कर चुके हैं, संजना सिंह। इनके पास में एक ऐसा डॉग है राजू भाई, मैं चाहता हूँ कि खुद शूट करके उसकी दिनचर्या और जीवन शैली जब शूट करोगे तो आई होप कि देश दुनिया की सभी जनता जनार्दन को ये बहुत अच्छा लगना चाहिए, उससे कुछ सीखने को मिलेगा। आ जाइए, आपको पूरे देश दुनिया का स्वागत है। इस ऐसे एक डॉग से मिलवाते हैं जो उनके लिए तो उनका वो राजा है, बेटा है, राजा बेटा है, और हमारे लिए वो सच में एक इंस्पिरेशन है। किधर है इसकी? अच्छा ये जी, आवाज आई उनकी। हाय संजना। हाय, वेलकम। अरे थैंक यू। मैं इनके ये चिंचिन कम फर्स्ट, कम टू मामा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कॉलिंग अस, हैं, क्योंकि मैं बहुत फॉलो कर रहा था कि आप जैसे ही मुंबई पहुंचो तो मुझे आपसे क्यों मिलना है, क्योंकि आपके द्वारा मुझे चिंचिन से मिलना है। मैं अपनी टीम को लगातार बोलते चले आ रहा हूं कि ये है हमारे चिंचिन, और इनके साथ हम आपको अब इनकी लाइफ के बारे में पालतू लाइफ के द्वारा इनकी लाइफ बताते हैं। संजना खुद इनकी माँ है, और ये माँ बेटे का इनका ये राजा बेटा है। अब संजना बैठते हैं और इनके बारे में हम आज जो है हम इनके बारे में ही बात करने आए हैं। थैंक यू। ये जब मेरे लाइफ में आया तो मैं खुद ऐसा इंसान बदल गई, इसने मुझे बदल दिया। इसकी इतनी हैबिट है मैं बता नहीं सकती हूँ। और संजना सिंह क्या है और माँ ऐसा मदर, मदर को फुल मतलब कूट के पी लिया, मेरा गुस्सा मेरा प्यार दोनों स्क्रीम है, दोनों पता है। अभी नीचे कल पता है क्या हुआ, इसको मैंने सिखाया तुम बाहर किसी के हाथ का कुछ खाओगे नहीं, बाहर जब रोड पे देखा उसको चाटोगे नहीं, सिखा चुकी हो। तो अभी बाहर एक मतलब वो फिश का वो था, वाटर था, इसने ऐसा किया तो मुंह में लग गई। मैंने जो गुस्सा किया था, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, मैं मारता नहीं, मैं ऐसे कर लेती हूँ तो वो डर जाती, उसकी ऐसे मुँह ऐसे हिलने लगे। मैंने बोला कोई पॉइसन तो नहीं खाया, मैं डर गई, देखा तो मेरे चिल्लाने पे वो डर ही गई, वो ऐसे से कांप रहा था, वो बच्ची भी थी साथ में। मैंने बोला फटाफट पानी लेकर आ जाओ, इसको पॉइजन कुछ गया होगा अंदर, देखे था वो कुछ नहीं मेरे आवाज में। चिंचन रिलैक्स, इसका आदत है सारे लड़की लोग के साथ फ्लर्ट करती है। चिंचन सारे लड़की लोग के साथ फ्लर्ट करते हैं, तभी इधर बैठ के आपके पास आने के लिए रो रहा था। चलो मम्मी को भूल गए आप, यू डोंट लव मामा। अच्छा संजना, ये मैनर और ये मतलब ये जिस तरीके से आपको मैंने देखा है, कैसे आपने इसको टीच किया, मारा इसको कभी? कभी नहीं हाथ लगाया, नेवर। मैं अभी बताऊंगी ना कैसे, 15 days आई टू, मैंने उसको पनिशमेंट क्या करती हूँ बताती हूँ, बाथरूम में बंद कर देती हूँ आधा घंटा, किसके लिए घर में सुसुपोटी किया तो अलाउड नहीं है बचपन में, और वैसे ट्रेन किया है, और वहाँ दिखने वाला जगह दिखाऊंगी, यहाँ हम लोग खाना खा रहे, एवरीथिंग यू रिपीट नो वर्ड्स एंड मैं बोलती हूँ बेटा यू सिट हियर वी आर ईटिंग, यू नॉट सपोज टू कम एंड सिट देयर, एंड करके कंटिन्यू 15 days कर लेती हूँ। देन लेटर जब सुसुपोटी करूँगी ना तो व्हाट यू डू नो, तुम क्या मुझे बाथरूम मिले, मैं खुद जा रही हूँ बाथरूम में। पापा उस दिन देखा याद है क्या किया था, हाय इतना कुछ करते हैं ना ये, और बहुत
इसका नेगेटिव साइड भी बताती हूँ क्या है। नहीं लेकिन मैं ना इतने मिला इतने डॉग से मिला, इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर अलग अलग, जब फोटो सेशन किया, फिर जब से ये राधा ने डिज़ाइन किया कि पालतू लाइफ का अपने को एक अवेयरनेस के लिए एक प्रॉपर ये पालतू लाइफ क्या है, तो तब से मुझे लगा कि हमारे पास अगर थोड़ा सा भी कभी फालतू लाइफ हो तो मैं पालतू के साथ मतलब बिताऊं। तो मुझे लगता है मेरे पास फालतू लाइफ के फालतू टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि बच्चियों के साथ में और फिर थोड़ा बहुत अगर घर पे गए तो बच्चियों से बात कर रहे हैं, तो पता लगा बड़ी मिल गया तो बड़ी के साथ थोड़ा बहुत कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताओ आप, मैं आपसे एक बहुत कि इसकी मीटिंग करवाई आपने कभी? इसका मीटिंग कोई अच्छा डॉग मुझे मिला नहीं है, तो इन्होंने इनको मैं जा नहीं, डॉग नहीं चाहिए, डॉगी चाहिए, डॉगी चाहिए डॉगी चाहिए। तो क्या हुआ, मैंने ना इनको जिसने मुझे गिफ्ट किया है उसके घर पे छोड़ के हम लोग शादी में चले गए, वापस आ गया तो उसकी बहन प्रेग्नेंट। ओह क्या करे, नहीं तो उसको फिर मतलब उसकी बहन प्रेग्नेंट हो गई तो उसको बच्चे हुए? हाँ तीन चार बच्चे हुआ, थोड़ा डिफेक्टिव बच्चे हुआ, किसी का कुछ नहीं किसी का कुछ नहीं, ऐसा मतलब इसके मतलब एनिमल भी भाई बहन में वैसे मतलब सेम डीएनए इज वेरी बैड फॉर एनिमल्स आल्सो, एनिमल्स आल्सो। हाँ ये आपका ऑब्जर्वेशन है ना? हाँ, 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 पक्का पक्का। चिंचन कम कम टू मम्मा फास्ट, बहुत बड़ा लेसन मिला, क्योंकि मतलब ऐसा देखिए जिंदगी में ऐसा जिंदगी में ऐसा लगता है। इधर आओ चिंचन, कम हियर, देखिए अभी अब मेरे दिमाग में ये इनको लेके आ रहा था कि तो ये कितनी बढ़िया बात मिली है कि मतलब इंसान में तो हमेशा ये बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं नेचर में है, लेकिन एनिमल्स में भी इनको जानकारी नहीं है, जब बड़े हो जाते हैं इनको जब झुंड में रहते हैं तो मतलब पता नहीं है सिस्टर करके। हाँ और अगर ये तो उनके बच्चे एनिमल्स के भी बच्चे डिफेक्टिव होते हैं, किसी का बोल नहीं है, ऐसा कुछ हुआ है, बाप रे बाप, ये पैर वैर वीकनेस। तो दोस्तों आज बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे हम लोग पहुंचे अबाउट पालतू लाइफ। संजना एक बहुत ही एस्टैब्लिश एक्ट्रेस है, मैंने इनके साथ में पहले काम किया है, मैं एक फिल्म जो इंडो ब्रिटिश फिल्म है उसमें मैं इनके साथ में फादर ऑन सेल में एक फादर की भूमिका निभा रहा हूँ ठीक है, तो हमारा अभी बहुत मिलना जुलना हुआ। ये बात मुझे भी पता चली कि पहली बार कि सेम डीएनए के एनिमल भी अगर आपस में ये मीटिंग वीटिंग करते हैं तो शायद उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं। संजना जो है वो साउथ इंडियन में आपने कितनी फिल्में की होंगी? मोर देन 40 फिल्में, 40 फिल्में से ज़्यादा किया है। बहुत अच्छी बात। आपका ये डॉग पेट पेरेंट्स बनने का कब से आपको बचपन से ही शौक है या बीच में? बचपन से शौक है एंड और ये मुझे इन्होंने मेरा घर चूज किया है। अच्छा कैसे पता है? मैंने जब ये बच्चा पैदा हुआ तो तीन बच्चे पैदे हुए, तीनों ही लड़का था, तो मैंने मांगा तो उन्होंने बोला नहीं, दो लोग सबको प्रॉमिस किया, बचा हुआ जो ये है ये जाएगा उनकी मम्मी के पास। मैंने बोला चलो ठीक है, तो बाद में क्या होगा उसकी मम्मी उसकी चिंचन कम अप बिहेव योरसेल्फ, कम हियर, यू नॉट सपोज टू गो एनीवेयर अंटिल मम्मा से, ओके यू नॉट सपोज टू गो एनीवेयर। हाँ वाओ चिंचन के लिए भाई ताली बजाने की इच्छा हो रही कसम से। अब बताइए कितने डिसिप्लिन, इतने प्यार से तो बच्चे भी नहीं सुनते हैं जितना ये बच्चा समझ रहा है। ठीक तो क्या हुआ, उनके घर पे सर्वन नहीं था डॉग को देखने के लिए, तो मुझे जो मेरे फ्रेंड है दिव्यानी उन्होंने बोला बच्चा है तुम लेगा? मैंने बोला हाँ लिया मैंने, बट मैंने बोला एक चीज़ मैं बोलूँगी आपको, 15 दिन आपके पास नहीं लेकर आऊँगी, क्योंकि उस आप 6 महीने ना बच्चा आपके साथ रहा वो आप बड़ी मम्मी है बोल के पता है, इसके बाद जो पालने वाला मम्मी तो मैं हूँ, तो इसलिए उसको पता चलना चाहिए मैं मम्मी हूँ, मुझे उसको ये फील कराना था मैं आपकी मम्मी हूँ, मेरा बेटा है ये। तो मैंने 15 दिन उसको ट्रेन किया, मतलब पास में ऐसे दिखने वाला जगह पे रखे, खाना हम लोग ये टेबल में खाते, बोलती हूँ हमेशा मम्मी ने ये सिखाया, मम्मी ने ये सिखाया, खाना खाने के वक्त देखना नहीं है,
वो मतलब डिसिप्लिन सारा, और घर में सुसुपोटी नहीं करना है अभी, इसको भी पता है मैं इसी के बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा हाँ, तो घर में सुसुपोटी करेगा तो मम्मी बाथरूम में बंद कर देती है, तो वो सब कभी हाथ नहीं उठाया। और बट वो मुझे मेरा गुस्सा, और मैं एक्सट्रीम लेवल का प्यार करती हूँ, एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा करती हूँ, दोनों ही उसको पता है बहुत अच्छे से। और इसकी नेगेटिव साइड बताओ, नेगेटिव साइड नहीं बोल सकता है, पहली बार मैंने मेरे सर्वन ने, मुझे डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है, उसने कुछ गलती किया, मुझे गुस्सा आया, मैं उसको डांटा, जो उधर बोतल था टेबल में, मैं लेके ऐसे ये कर ब्रेक कर दिया। इससे स्टार्टिंग से चिल्ला रहा है, मम्मी किसी को गुस्सा मत करो, आपको कोई हक नहीं बनता है किसी के ऊपर चिल्लाओ। हाँ, तो उसने पहले लाइटली इस तरफ टच किया, मुझे नहीं पता चला, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से, इसके बाद इधर आके खट कर चुकी है, मुझे पता नहीं चला, मैं बात में ऐसे कर रही, तो कून ही कून, मैं डर गई। मैंने अच्छा, आपको काट खाया इसने? मुझे काटा, मुझे मतलब आज भी मार्क है, उसने काटा, क्योंकि मैंने जो बोतल फोड़ा, मतलब वायलेंस इज नॉट अलाउड एट होम। ओ माय गॉड, अच्छा आपको गुस्सा आ गया तो आपने बोतल फोड़ दी। बोतल फोड़ दिया और डांटा वो घर में जो काम कर रहा है उसके ऊपर। अच्छा, उसको डांटा तो उसकी वजह से इसने आपको काटा कि वायलेंस नहीं? हाँ, उससे पहले उसने भाऊ भाऊ करके मुझे कंट्रोल करने के लिए 5-10 मिनट वो ट्राई कर लेती हूँ। अब मैं तो खुद होश में नहीं हूँ, और लाइटली इधर से भी आके टच किया हुआ है, मतलब मम्मी बस करो, अब बस करो, फिर भी नहीं रुकता है, तो लास्ट फाइनल ऑप्शन है, वो काटता है। ओह माय गॉड, तो फिर काट भी खाता, आज भी काट खाता? 3 बार काटा है मुझे। तो इसका सब, इसके बाद अभी नहीं, क्योंकि गुस्सा नहीं कर रहा है ना, मैं किसी को इंजेक्शन वगैरह सब, हाँ सब कुछ है, सब कुछ किया हुआ है, वैक्सीनेशन है, कुछ नहीं होता है। तो अभी अभी जैसे आगे भी अगर आप ऐसा बोतल वोतल फोड़ने का, अगर कभी कोई बोतल फोड़ना नहीं है, उसके हिसाब से आप सामने वाला बंदे को डांट नहीं सकते, कोई हक नहीं बनता है उसको चिल्ला के गुस्सा करके वायलेंस करके ये करके करने के लिए। सिट ना बाबू। मनीष, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कैसा लग रहा है इनका बिहेव, बताओ? नहीं, डर नहीं लग रहा है? नहीं, किसी को नहीं काटता है। कितने 8 साल हो गया, 8 साल की बच्ची है, किसी को नहीं काटा, सिर्फ माँ को काटा है, क्योंकि उसको नहीं पसंद है। हाँ, गलती मैंने की है। अच्छा, ये आपको कैसे मिला? वो मेरे फ्रेंड ने दिया मुझे। नहीं, फ्रेंड दिया, फिर उसके बाद वो मम्मी 15 दिन मतलब नहीं आई आपके पास? हाँ, हाँ। और फिर उसके बाद तो मैंने ट्रेन किया 15 दिन उसको। अभी आप चेन्नई जाते हो और फिर मुंबई आते हो, चेन्नई जाते हो, मुंबई आते हो, इसका सिस्टम कैसा? घर में लड़का रहता है, इसको किसी की जरूरत नहीं। 2 टाइम घुमाओ, खाना दे दो, अकेला घर में रहेगा, किसी की भी जरूरत नहीं। हाँ, मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं खुद जब इनको ऐसा मतलब वो होती है, जब मीटिंग करना है, कि मुझे बहुत बुरा लगता है, मैंने बहुत ढूंढा है, मुझे कोई पुडल नहीं मिला। हाँ, आप लोगों को ये पक्का बोलना है, धर्मेश के पास इस लड़की है, पुडल गर्ल वाला लड़की है, सेम पुडल गर्ल है, मैंने उधर लेकर गया, वो तो हाथ ही नहीं लगाने देता है। अच्छा, हमें लगता है कि वो भी, लेकिन जैसे जो नेचुरल जानवर हैं वो नेचुरल इंस्टिंक्ट से जाते हैं, ठीक है ना, उनके जंगल में भी हो, उनके बड़े डिसिप्लिन होते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरे मन में लगातार चल रही है कि कहीं पे 40 डॉग्स हैं, या मेल फीमेल सबका ऑपरेशन करवा दिया है, कि कहीं 50 से 150 ना हो जाएं, 500 ना हो जाएं, तो इनकी जनसंख्या, क्या बोलते हैं इसको, इनकी संख्या ना बढ़ जाए, उसके लिए ऐसा सोचते हैं। जो है पुडल बहुत रेयर है, ये बाहर गाँव का, ये बाहर गाँव का डॉग है जी, इसका most, इनका इनका most intelligent. हाँ, वर्ल्ड सेकंड नंबर इंटेलिजेंट डॉग है पुडल, और इनका जो मिलना हर जगह में बहुत कम है, मिलेगा नहीं, बहुत मुश्किल से, और कॉस्टली भी है। मतलब मेरे, मैं मैंने राधा को, क्योंकि राधा इज डायरेक्टर ऑफ दिस शो, तो मैंने राधा को बोला, मैंने कहा यार देख, आप पे मुझे, आप मेरे पास वैसे टाइम नहीं, मैं कि 4 एपिसोड बनाने, 3 एपिसोड बनाने में चलूँगा, लेकिन जब मैं इससे मिला तो मैंने स्पेशल रिकमेंडेशन की राधा को, हमने कहा कि मैं इतने डॉग से तो आपने मुझे मिलाया, एक बार सिंचन, हाँ सिंचन से मिलो तो आप, आई थिंक आपने देख लिया इसका डेमोन्स्ट्रेशन, कि वो नानू भी बोल रहा है, ये भी मैं बोल रहा हूँ, खा ले भाई, बताइए।
वो गाने वाला हाँ, आपने उस दिन हाँ, किया था हाँ, हाँ, कि कुछ बजाया था फिर इसने गाया था हाँ, क्या किया हाँ, था आपने बाबू आप सबको दिखाने बैठा तुम ये तो इज्जत रख लेना मम्मी की घर का राजा बैठा है ये हाँ, चलो मम्मी के साथ गाना गाओ चलो मजा आ गया और हम दोनों ही लकी एक दूसरे के लिए मैंने बहुत चेंज किया अपने आप को और बहुत सीखा इससे और ये इसको राजा नाम बुलाता है राजा का मीनिंग क्या है इसको पता है गाड़ी में भी सारे बॉडी बाहर डालती हूँ उसकी पूछ को मैं पकड़ के जाओ कौन सा डॉग डरता नहीं है हर एक मूवमेंट मेरा नेचर पूरा डिट्टू जैसे जैसे किसी के पास इनको लेके जाएगा संजना जैसे है ना वैसे उसका बेटा बोलेगा इतना डिट्टू मेरे सारा मुझे समझ लिया सब कुछ माँ का वीक पॉइंट क्या है माँ का गुस्सा क्या है और सब कुछ नहीं तो कोई डॉग को तो सिखाने के लिए मतलब कुछ तो ऐसा पेपर लेके सब करना पड़ता है मारना पड़ता है ये करना होता है मेरा आवाज ही ठीक है मैं बोलती हूँ माँ प्यार करूंगी बहुत प्यार करेगा और डिसिप्लिन रहना है और इतना डिसिप्लिन रहना है कोई इंसान भी देख के बताए मैं बोलूंगी इसको इधर से हिलना नहीं जब तक माँ नहीं आएगी वही खड़े रहेगा अरे बाप रे बाप कितनी सीखने वाली बात है बहुत अच्छा लगा संजना गॉड ब्लेस यू डिजर्व आपके पास चिंचिन है और ये आपके साथ लाइव भर रहे यही दुआ और इनको बस इनका स्वस्थ रहे मस्त रहे खूब व्यस्त रहे आपके साथ गॉड ब्लेस यू बोथ थैंक यू